भाई वरिष्ठ नेता है, चलो साथियों ने मजाक कर लिया, वो एक साजिश का शिकार हुए हैं, एक बीजेपी के बहुत बड़े नेता ने, वो तो मुझे मिलते थे बेचारे, विधानसभा में मिलते थे मुझे। अच्छा। और मैं आशीर्वाद देता ना, बड़ा प्यार भरा मुझे आशीर्वाद भी देते थे और कहते थे बेटा मैं तो खेल खा लिया, बूढ़ा हो गया, कोरोना में बीमार ज्यादा हो गया था, तो मैं तो आगे चुनाव की राजनीति करता नहीं, वो तो शिकार हो गया राजनीति। अच्छा, आपने कहा भाई मेरी उनके प्रति बड़ी आस्था है, अपने कार्यकर्ताओं को उनके बारे में बोलने के लिए कोई आप कोई गाइडलाइन दोगे? ना ना, बुजुर्ग आदमी किसी का, बुजुर्ग सबका होता है। हाँ। तुम्हारा तो अपने कार्यकर्ताओं को कुछ बोलना चाहोगे? उनके बारे में कोई कोई भी गलत टिप्पणी ना। चलो, ये एक बड़प्पन की बात करी है नेताजी ने, कोई चुनौती भी लग रही है आपको? आप न्यू बताओ, जब मशामी का मुकाबला हो तो कै परसेंट वाला जीत जाएगा? 51 वाला जीतेगा जिसकी। हाँ। तो मैं 60 पर तो मैं निकला हूँ, बाकी मिसाले ये मैं कह सकूँ, आपने यू डायलॉग मैं रहो बात वाला बोले 60 में मैं कल्ला 40 में सारी, ये मेरा बढ़िया तजुर्बा हो गया। आपने इतनी प्यारी प्यारी बात करो, क्यों वजन बढ़ाने लग रहे हो इसका? आज तो बस चला रखी जी विधायक जी ने खान पर, आज तो किसी ने नहीं चलाई, सब पिद्दों में किस जा रहे खान पर में जावा है, जो बीमार है कोशिश में जावा, तीर्थ यात्रा हरिद्वार के लिए, खाटू श्याम के लिए, लड़कियों की फरी कति, और जिन्हें जरूरत पड़ा वो ओढ़े पोछे है, तीसरा समाज सेवी कितना होगा बताइए। ठंडा पिया और फिर चाह पिया ना, मेरा गला का कुछ बिगड़ता, पसीना तो लगड़ रहा है नेताजी, देखो पसीना पसीना आ रहा है, चुनाव में मेहनत, पसीना तो पसीना मैंने तो देखा ही नहीं, को बिना पसीने जीत का भी कोई स्वाद नहीं, कोई स्वाद नहीं, पसीना लिख रहे पास पहलवान से खड़ा मजा और पसीना लिख रहे तो फिर स्वाद नहीं जीत का, कोई स्वाद नहीं। अच्छा, आवा आवा किसके भाई, हरियाणा में किसकी आवा है? हरियाणा में। अच्छा, सफीदो हल्का में देखो, हालांकि इनका आ रहे हैं बहुत भारी भरकम मजबूत प्रत्याशी है, क्यों दिखने लग रहे मजबूत तो हैं, लेकिन लेकिन 8 ने जब ढोल खुलेंगे तो ढोल जब खुलेंगे जब बताओ क्या रहोगी भाई? हैं? क्या बजे भाई? 10 बजे। क्या बजे भाई? 10 बजे। 10 बजे पास नहीं है साहब, इसे के पहले दिन वोट गिरोगे भाई? 90 विधानसभा में सबसे पहला और बारू भारी बहुमत सबसे ज्यादा वोटों से अगर रिजल्ट आएगा, सफीदों का विजय आएगा, विजय मनाया जाएगा ना, जो सफीदों में विजय होगा वो सुभाष गांगुली जी होगा। देखो, विधायक बनना शायद बड़ी बात नहीं, लेकिन आजकल जो हल्के के लोग होने अनुसार अभी महाराज विधायक तो बने बने मंत्री बन जाए, मंत्री जी तो है, तो मंत्री जी है? जब भारतीय जनता पार्टी, जब भारतीय जनता पार्टी की वो थी नहीं लहरे, उस टाइम भी सुभाष जी विधायक बने थे और जिला प्रधान बनाए थे, और कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण रूप से यहाँ की कमान जो कांग्रेस पार्टी ने मजबूत करने के लिए वो सुभाष जी तय दी थी, तो हमारा मंत्री तो बना बनाया है, हमने हमारा काम है विधायक बनाना, मंत्री तो खुद बनकर ना जंगे। अच्छा देखो विधायक जी, नो बताओ आप, क्योंकि देखो चुनौतियां हालांकि अपनी लाशी ने कोई खाटी नहीं बता रहा, सारे अपनी जिन्हें बढ़िया बता रहे हैं, फिर भी आपने कोई चुनौती लगे, आपकी जीत में कोई बाधक लग रहा है अभी, आपने दिक्कत है इसका है? देखो चुनाव प्रचार करना तो बहुत आपके लिए कंपलसरी चीज है, कोई चुनौती भी लग रही है आपको? आप न्यू बताओ, जब मशामी का मुकाबला हो तो कै परसेंट वाला जीत जाएगा? 51 वाला जीतेगा जिसकी। तो मैं 60 पे तो मैं निकला हूँ, बाकी मिसारे ये मैं कह सकूँ, आपने यू डायलॉग मैं रहो बात वाला बोले 60 में मैं कल्ला 40 में सारी, ये मेरा बढ़िया तजुर्बा हो गया। आपने बात नहीं है, नो कानू है इलेक्शन मारा, कोई दूसरा नहीं इलेक्शन नहीं है, इसके कहने तो कौन बनती बात, तार बनेगी बात है जी, हमारे तो बन रही है जी, हम देंगे वोट, हमने वोट तो हमने देंगे, 70 नहीं पूछा दे तो मान दिए आपने जी, हमारे एरिया में दोबारा फिर बुलाओगे आपने? इतनी प्यारी प्यारी बात करो, क्यों वजन बढ़ाने लग रहे हो इसका? आज तो बस चला रखी जी विधायक जी ने खान पर, आज तक किसी ने नहीं चलाई, सब पिद्दों में किस जा रहे नेता ही खान पर में जावा है, जो बीमार है कोशिश में जावा, तीर्थ यात्रा हरिद्वार के लिए, खाटू श्याम के लिए, लड़कियों की फरी कति, और जिन्हें जरूरत पड़ा वो ओढ़े पोछे है, इस
ऐसा समाज सेवी कितना होगा बताइए हल्के में। पहले भी सेवा हाँ। करी यारी पावर मार बच्चा तो सेवा करा पावर मान के करे विधायक जी ने तो पहले ही जमा देशी जमींदार है वे पीवे थैली का दूध मारे वाला तो 30 मैच बांध रहा है। चलो सत्ता सिंह से तो सरदूल गया दिया ये चीज चाहे सुभाष गांगुली के आगे एक मिनट यार ये बात इसकी नोट करने की के है सत्ता सिर्फ चाहे सरदूल गया दिया चाहे सुभाष गांगुली गया दिया रही है। सरदूल का जिक्र तो मेरे बाबू भी कर रहा कह रहा बोला सरदूल गया दिया थी तो ये कह रहे हैं बोला वो जो सरदूल गया दिया थी नी वन दी सुभाष क्या होगी सच्चे आंधी नहीं आ रही है आ रही है बोला इसे बात में मिला हैंडल। चलो नेताजी का जो कॉन्फिडेंस है ना वो जिब बढ़ा जीवी दोहरा चुकरता उसका हौसला बढ़ाना क्योंकि इसका नेताजी का एनर्जी बूस्टर ये है आपका एनर्जी बूस्टर ये आपके मतदाता है। इन मतदाताओं को कोई अपील करना चाहोगे 5 तारीख के लिए? मतदाताओं को तो मैं ये कहता हूँ तुम मुझे 10 दिन दो मैं तुझे 5 साल दूंगा मंत्री वाले मंत्री वाले। फिलहाल ये सुभाष गांगुली की चाय पे कार्यक्रम चल रहे हैं चाय पे चर्चा चल रही है। फिलहाल ये देखो इस तरह कोई प्रत्याशी का प्रचार आप देखोगे ये सरलता नजर आ रही है हालांकि बहुत लैंडलॉर्ड आदमी है लेकिन सरलता देखो आप ये आप देखो फिलहाल चल पड़े हैं अगली चाय पे। कितनी चाय होगी आज की भाई? आज 49 होली जी 49 होली बिटैनी गांव में 78 चाय पानी है हम 3-3 4-4 की एक जगह करवाने लाग रहे हैं जी। हाँ जी चलो बात ही करमो जी हम आप तभी अपील करें आपके चैनल के माध्यम से सुभाष गांगुली की तो विधायक नहीं है एक बढ़िया एक सटीक मंत्री के रूप में। चलो फिलहाल देखो घना शरीफ आदमी है बहुत शरीफ आदमी है। देखो एक व्यक्ति की सफलता से पहले उसकी सरलता देखी जावे है और वो सरलता उनके कारनामे देखोगे काम देखोगे तो बस चला रखी है कदे थे वो जो बस चली नहीं वो बस चलती गई और सुभाष गांगुली का सिलसिला और काफिला बढ़ता गया प्यार बढ़ता गया और वो प्यार आज वोट में तब्दील ओण पाऊगा कि नहीं वो बात देखने वाली है। वोट में तब्दील हो जाएगा प्यार भाई? बिटैनी गांव का तो वोट में तब्दील है बिटैनी गांव में 80% वोट जो है सुभाष गांगुली तो अकेला बिटैनी तो काम चल जाएगा भाई। जब बिटैनी में आज से पहले जो भी है ना कांग्रेस पार्टी ने जीती विधानसभा के कोई से भी चुनाव उठा लो और बिटैनी गांव में तब की बार कांग्रेस जीत रही है तो ये देखो कि सुभाष जी कितनी वोटों से जीतेंगे। ये देखो ये नेताजी पहुंच गए हैं जो इनकी कैंपेन है बिटैनी गांव में ये चाय पे। अरे देखो भाई ये तो तुम्हें ठाटा करके छोड़ेंगे। अरे एक बात है नेताजी ना कोई बात नहीं ये देखो भाई फिलहाल देखो नेताजी एक प्यार है यूं प्यार इनकी ताकत है वह ताकत वोट में तब्दील हो गया। 8 तारीख ने जब ढोल खुलेंगे उसकी जब पोल खुलेगी उसमें सफीदो विधानसभा में पंजा खिलेगा कि नहीं यह बात देखने वाली है। फिलहाल समर्थकों का प्यार ने देखकर जुनून ने देखकर जोश ने देखकर जज्बा ने देखकर और नेताजी का आत्मविश्वास ने देखकर एक बात कैसे कहा किते न किते वो जो कॉन्फिडेंस है वो संकेत दिखावा है भाई सफीदों में सुभाष गांगुली कहीं ना कहीं अपनी जीत दर्ज करा सके हैं ये दावा मतलब समर्थकों द्वारा है। करा सके ना बोलो भाई करा दी हाँ वो तो देखो भाई थाम करा इसको पत्रकार तो भी करा दी क्योंकि आप सच्चाई दे रहे हो एक अच्छे पत्रकार हो और ईमानदारी में आपका नाम है आप ही बता दो सुभाष जीत रहा ना जीत रहा ना आप बता एक मिनट मेरे भाई एक का होता है बोला प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती आवश्यकता नहीं होती लेकिन जो प्यार और जो हमारे पास आंकड़े और इनपुट है उसका हिसाब तक कितने कितने जो पसीना लिख रहे नहीं जब आपका इस पसीना की जो आउटपुट है जो आप मेहनत कर रहे हो पसीना जो काट उसकी जो आउटपुट है वह कितने न कितने आपकी बढ़ोतरी की तरफ इशारा कर रहे हैं तो वह चीज एक मतलब जो संकेत नजर आ रहे हैं संकेत जो नजर आ रहे हैं तो यह चीज है। फिलहाल देखो ये चर्चाएं चल रही है 49 चाय पीजियो जी 49 चाय 250-300 पीऊं दिन में तो एक बात है नेता मैंने खूब मिले फिर इस प्रकार देशी और सागी नेता भी कोई मिला भाई ये देखो सरलता है हालांकि बड़े लैंडलॉर्ड आदमी है लेकिन सरलता देखो आप विनम्रता देखो सरलता और विनम्रता इनकी ताकत और इसे वजह से पिछाड़ा हल्का में और पसीने आड़े लिख रहे हैं चोरी दूसरे का पड़ रही है यानी कि दूसरे जो प्रत्याशी हैं इनका पसीना देख के उनके चोर चढ़ रहे हैं भाई यू पसीना क्यों काटने लग रहा है पसीने की बूंद आड़े पड़े हैं दलक दूसरे प्रत्याशी का जावे है
गलत तो नहीं कह रहे भाई, बढ़िया जी। तो ये चीज है अभी भाई नू भी ध्यान रखो केड़ा गल इस चीज की तालमेल लगनी है, क्योंकि इतनी इतनी जो चाह है नी ये भी वैज्ञानिकों के लिए एक शोध का विषय है भाई। 250 चाह पीने के बाद भी बंदा पूरा फुल कॉन्फिडेंस में कद बुखार हुआ था कोटबरे तो चाह पिया, अच्छा गला ठंडा पिया और फिर चाह पिया ना मेरा गला का कुछ बिगड़ता। तासीर बढ़िया, तासीर बढ़िया, तासीर बढ़िया। हाँ भाई, तेरे चैनल तनाजम तेरे माध्यम से हमने एक मतलब मौका मिला है, विधायक जी विधायक तो थे और तेरे चैनल के माध्यम से आदिवासी मंत्री बना दिए। क्या बात है, मंत्री बना दिए। विधायक जी हरियाणा भी कह दिया। अच्छा नेता जी की तासीर तो बता दी मेरी बहुत बढ़िया है। सफेदो आने की तासीर किसी है भाई नेता जी के प्रति? सफेदड़ 87 का उठा लो, कोई सा इतिहास उठा लो अब सफेदों में। अच्छा। पहले के विधानसभा के भाई एक बार आठा का बताओ भाई। 87 में सरदूल सिंह के दी थी, बारी उम्मीदवार ते दी थी रामचंद्र ते, रामचंद्र जांगड़ा ते, और 87 सीट आई थी चौधरी देवीलाल की। सफेदो सीट सरदार सरदूल की आई थी। ईब कौन है? बारी उम्मीदवार है और लहर किसकी है? सुभाष गांगुली की है। 87 वाला इतिहास दोहरा दिया है। क्या करोगे? नहरो नहर बैरो बैर रखोगे? बैरो बैर नहरो नहर बैरो बैर। वो तो आया तो था रोड में, मैं खटारा बस में जय उस न राज कुमार वाला टेम्पू पावेगा जंदियाना, बस नहीं पावेगी। चलो बस तो फिर सुभाष गांगुली वाली अभी छोड़े हो गए ताली बस में। वरिष्ठ नेता है, चलो साथियों ने मजाक कर लिया, वो एक साजिश का शिकार हुए हैं। एक बीजेपी के बहुत बड़े नेता ने, वो तो मुझे मिलते थे बेचारे, विधानसभा में मिलते थे मुझे। अच्छा। और मैं आशीर्वाद देता था, बड़ा प्यार भरा मुझे आशीर्वाद भी देते थे और कहते थे बेटा मैं तो खेल खा लिया, बूढ़ा हो गया, कोरोना में बीमार ज्यादा हो गया था, तो मैं तो आके चुनाव की राजनीति करता नहीं, वो तो शिकार हो गया राजनीति। आपने कहा भाई मेरी उनके प्रति बड़ी आस्था है, अपने कार्यकर्ताओं को उनके बारे में बोलने के लिए कोई आप कोई गाइडलाइन दोगे? ना ना, बुजुर्ग आदमी किसी का हो, बुजुर्ग सबका होता है। तुम्हारा तो अपने कार्यकर्ताओं को कुछ बोलना चाहोगे आप? मैं उनके बारे में कोई भी गलत टिप्पणी ना करे। चलो, ये एक बड़प्पन की बात करी है नेताजी ने, ये होता है एक नेता का बड़प्पन, ये नेता का बड़प्पन है भाई। अपने कार्यकर्ताओं को साफ निर्देश दिए, जो भी इस हल्के से दूसरे प्रत्याशी खड़े हैं बुजुर्ग है तो उनका मान सम्मान रखो, कच्चा मंदा किसी ने नहीं बोलना। ये सुभाष गांगुली ने कही है बात, तो यह बात बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी बात है यार। तो आप बताओ सफेदों में तामने के लाकर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।